बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेडीयू से लेकर आरजेडी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनकी पोल खोल रहे हैं। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और 10 सवाल पूछ डाले हैं, जिसका जवाब सरकार को देते नहीं बन रहा है। युवा किसी भी पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि बिहार में तेजस्वी यादव युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। उन्होंने बेरोजगारी को अपना हथियार बना लिया है, जिसके इस्तेमाल से वो सीएम नीतीश कुमार को घायल करने में जुटे हैं। आज भी उन्होंने बेरोजगारी के बहाने सरकार पर जमकर सवालों के तीखे तीर छोड़े। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की 1 मार्च को गांधी मैदान की एक्चुअल रैली का हश्र पूरे देश ने देखा था। खैर, वर्चुअल रैली के बहाने हम उन्हें एक्चुअल मुद्दों से भागने नहीं देंगे। आशा है कि मुख्यमंत्री हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि 15 सालों में आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन आखिर क्यों बढ़ता गया? बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% सबसे अधिक क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? इसका दोषी आखिर कौन है? नीतीश कुमार ये बताएं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से अधिक राशि के 58 घोटाले क्यों हुए? क्या आप इन सब घोटालों के दोषी नहीं हैं? और उस गबन राशि की भरपाई कैसे होगी? तेजस्वी यादव ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित तथा कथित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ है? मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा स्वयं सार्वजनिक करें। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं, बल्कि वर्तमान सुनहरा और भविष्य भी सुनहरा चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने एक एक करके सीएम नीतीश कुमार के सामने 10 सवालों की फहरिस्त लगा दी है। इन सवालों में उन्होंने बिहार के विकास से लेकर बेरोजगारी पर सरकार को घेर लिया है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इसका जवाब देते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।